अभी के लिए नहीं देंगे, एक अच्छा खासा एंगल होगा जहां से वो नॉक करके फिनिश कर जाए तभी वो शॉट देने में यकीन रखेंगे। टीएसएम के मेंबर्स जो हैं अभी भी दूसरे साइड पे लूट कर रहे हैं, बाकी फनाटिक के मेंबर्स की बात करें तो वो भी क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। रौनक के पास यहाँ पे M24 है बट लूटे या नहीं वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है फ्रैंकी ये वाला जो M24 है वो उठाएंगे, बट पुपूमैन दूसरे साइड पे, फनाटिक के मेंबर्स दूसरे साइड पर रोटेट करके गए आश के बाद के, या दूसरे साइड पर पुपूमैन डाउन होते हुए आश के द्वारा नॉकआउट किया और पूरी तरीके से कन्फर्म भी कर जाएंगे। फनाटिक एक अच्छा खासा किल अपने लिए निकालते हुए हाथों से ही पूमैन को फिनिश कर गया। शगार की बात करें वो पीछे साइड टेक R98 है, साथ में M4 है और स्कोप्स वगैरह है या नहीं वो देखना पड़ेगा। फनाटिक के मेंबर्स काफी ज्यादा ओपन में, शगार उनको स्पॉट कर सकते हैं। अभी जो दो मेंबर्स दूसरे वाले साइड पे थे मिलिट्री बेस आइलैंड के साइड पे थे उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे शगार नॉक आउट हुए तो उनको भी बचा पाना लगभग नामुमकिन होगा। ओवेज दूसरे साइड पे, फनाटिक के मेंबर्स अभी भी शॉट्स ले रहे हैं, किस पे वहाँ पे चलते हैं शायद शगार को स्पॉट करके, बट एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप दूसरे ही छोर से शॉट देते हुए ओवेस को डाउन किया और ओवेस को कंफर्म भी कर गए। रौनक बचाने की कोशिश कर रहे थे बट ऑन टॉप का क्या प्यारा टैप शॉट आया मिनी के द्वारा, ओवेस को नॉक और इंस्टेंट फिनिश भी कर दिया है। ऐश की बात करें दूसरे साइड पे, फ्रैंकी गाड़ी यहाँ से निकालेंगे, ऑन टॉप के काफी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर सकते हैं फनाटिक के मेंबर्स, क्योंकि अभी के लिए एक अकेला मेंबर ऑन टॉप वहां पे। शगार की बात करें वो दूसरे साइड पे, फनाटिक मेंबर ब्रिज पे जा रहे हैं रौनक सबसे आगे, देखते हैं इनके लिए क्या सिचुएशन होती है। बट ऑन टॉप क्या प्यारा टैप शॉट देते हुए रौनक को भी डाउन कर गए। अकेले अकेले फनाटिक के मेंबर्स दूसरे साइड से रोटेट कर रहे थे बट गलत साबित हुआ, मिस्टर ह्यूज़ दूसरे साइड से रोटेट करेंगे और फनाटिक के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा समय देखने को मिल सकता है। मिस्टर ह्यूज़ दूसरे साइड से रोटेट करेंगे, शगार की बात करें वो भी पीछे से ही थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेंगे। आश काफी ज्यादा क्लोज मिस्टर ह्यूज़ के, और आश की बात करें वो काफी ज्यादा डैमेज ले चुके, मिस्टर ह्यूज़ भी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके। रिलोड आता वो ऑन टॉप, गाड़ी से गिर गए, अगर ना गिरते तो शायद यहाँ पे कुछ और माहौल होता। बट व्हाट, फनाटिक की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट होती है बाय मिस्टर ह्यूज़ो, क्या बढ़िया गेम प्ले दिखाया है। बट टीम आईएनडी पीछे से थर्ड पार्टी कर सकती है एलिमेंट्रिक्स स्क्वाड को, शगार दूसरे साइड पे हैं, टीम आईएनडी ने गन्स वगैरह सुनी है और सीधा एलिमेंट्रिक्स के साइड पे रश करेंगे। सामने रिवाइव कर रहे हैं ओपन में, टीम आईएनडी क्रैथोस रश करने के पूरे पूरे मूड में, नीचे के साइड पे मेंबर्स गिरे, डडाइज रेटेड सर की बात करें वो भी डाउन, बट क्या अच्छे तरीके से दिमाग यूज किया एलिमेंट्रिक्स के मेंबर ने, जैसे ही रिवाइव करा वैसे ही पानी के अंदर दोनों कूद गए। अगर नॉकआउट हो